हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास एट्थ। और आज क्लास एट्थ के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेसन, सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस क्या होते हैं देख लेते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर जॉइंड टुगेदर टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। जो एक सेंटेंस होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, वर्ड्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिनको जॉइन करके हम एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। जिसका एक सेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सेंटेंस। ठीक, तो अब आगे देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ हमें पता चल गया कि सेंटेंस क्या है। आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि सेंटेंस क्या होता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक, या तो वो फुल स्टॉप से एंड होगा, ये एक फुल स्टॉप है, या फिर एक क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या फिर एक एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड होगा। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है। ठीक, अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, द सब्जेक्ट इज अ थिंग और अ पर्सन बीइंग टॉक्ड इन द सेंटेंस, सच एज द एक्शन इट परफॉर्म्स एज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब और द स्टेट ऑफ बीइंग एज इंडिकेटेड बाय द वर्ब। जो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट एक चीज़ होती है या फिर एक इंसान होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक, वो क्या होता है, वो तो या तो एक्शन परफॉर्म करता है या फिर वो जो एक्शन है वो उस पर डिपेंडेंट होता है। द सब्जेक्ट कैन बी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज एंड यूजुअली कम्स बिफोर द मेन वर्ब। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है, और वो जनरली मेन वर्ब के पहले आता है। जो मेन वर्ब होता है वो उसके पहले आता है। जैसे कि देख लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, जागबीर किक्स द बॉल। ठीक, तो किक्स जो है यहाँ पे वो है क्या, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के पहले जो है हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। ये सब्जेक्ट कैसा है, ये है एक नाउन। नाउन क्या होता है, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, और ये क्या है, एक पर्सन है, एक प्रॉपर नाउन है। तो जागबीर हमारा नाउन है, नाउन के बाद आ रहा है ये वर्ब किक्स, तो ये आ रहा है किक्स जो है वो है वर्ब और द बॉल। द बॉल इधर पे क्या है, द बॉल है इधर पे सब्जेक्ट, सॉरी द बॉल इधर पे ऑब्जेक्ट है और ये है सब्जेक्ट। जागबीर जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक, किक्स द बॉल, तो किक्स जो है वो वर्ब है और द बॉल जो है वो है ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चे क्या हो गए, बच्चे हो गए सब्जेक्ट, प्ले हो गया मेन वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल प्ले बैडमिंटन, चिल्ड्रन हो गए सब्जेक्ट, ऑफ द स्कूल स्कूल के, और प्ले हो गया वर्ब और बैडमिंटन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्कूल के बच्चे जो हैं बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये हमारा चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले है वर्ब और बैडमिंटन है ऑब्जेक्ट। जागबीर इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड चिल्ड्रन इन सेंटेंस टू एंड चिल्ड्रन फॉर द स्कूल इन सेंटेंस थ्री आर प्लेस्ड फर्स्ट। देखिए, यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल पहले आया, यहाँ पे चिल्ड्रन पहले आया, और इधर पे जो है जागबीर पहले आया। ठीक, इसका क्या मतलब है, दे आर द सब्जेक्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस। ये जो तीनों सेंटेंस हैं इनमें ये जो तीनों वर्ड्स हैं, जागबीर इधर पर, चिल्ड्रन और इधर पर चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अपने अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। ठीक, द कलर्ड पार्ट्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट्स इन द अबव सेंटेंसेस। देखिए, ये जो है प्ले बैडमिंटन और प्ले क्रिकेट, ये इस सेंटेंस के क्या है, ये सेंटेंसेस के प्रेडिकेट हैं। ठीक, ये जो है किक्स द बॉल, ये इसका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्या होता है, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच मस्ट हैव एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक वर्ब हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं।
प्रेडिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस। प्रेडिकेट हमें क्या इन्फॉर्म करता है? अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है और वर्ब की इन्फॉर्मेशन देता है उस सेंटेंस में, यानी कि उस सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या हैं और वर्ब क्या हैं इनका प्रेडिकेट हमें इन्फॉर्मेशन देता है। फिर और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं हमारे सामने, जैसे कि है राहुल स्विम, राहुल जो है स्विम करता है, राहुल तैरता है, तो स्विम क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब हो गया। सेकंड है मोनू प्ले फुटबॉल, मोनू जो है फुटबॉल खेलता है, तो प्ले जो है वर्ब है, फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक। थर्ड जो है आई एम देयर टीचर, मैं इनकी टीचर हूँ, तो आई एम जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जिसे वर्ब दिखाया गया है, और टीचर जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट जो हम एक कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए गर्ल, आई एम बॉय, तो इसमें गर्ल बॉय टीचर स्टूडेंट के सारे क्या हैं, ये सारे कॉम्प्लीमेंट हैं। फोर्थ है आई गिव देम हिस्ट्री लेसन्स, मैं इनको हिस्ट्री लेसन्स देती हूँ या देता हूँ, तो गिव जो हो गया वो वर्ब हो गया, कौन क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये है वर्ब। देम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किनको हमें नहीं पता, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिस्ट्री लेसन्स, हिस्ट्री लेसन्स ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या दे रहे हैं, हिस्ट्री लेसन्स दे रहे हैं, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस पे जो दो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो क्या क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो पहला क्या है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे कहीं स्टेटमेंट दिया जा रहा हो, कोई स्टेटमेंट देते हैं हम लोग, तो वो होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम कोई सवाल पूछते हैं, आस्क करते हैं, इंटरोगेट करते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो। इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाती हैं कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस, तो ये सब इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि आपको बहुत ही आश्चर्य हुआ किसी बात पे, तो वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएंगे। आगे हम और डिस्कस करेंगे। पहला जो है हमारा टाइप वो हम डिस्कस करेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट या फिर असर्शन बताता है, स्टेटमेंट या असर्शन यानी कि कुछ डिक्लेयर करता है, कुछ भी बताता है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस एंड्स विद अ पीरियड, पीरियड क्या होता है, एक फुल स्टॉप, तो ये जो डॉट का निशान होता है इसे हम फुल स्टॉप या फिर पीरियड बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड, ठीक, या फिर फुल स्टॉप। एग्जांपल, प्रभा इज अ टीचर, प्रभा क्या है, एक टीचर है, ये डिक्लेयर हो रहा है कि प्रभा एक टीचर है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये है असर्टिव सेंटेंस। रमेश गोज टू स्कूल, रमेश स्कूल जाता है, तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस। सुंदर इज नॉट अ टीचर, सुंदर टीचर नहीं है, तो ये है असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल, द वेजिटेबल इज एडिबल, वेजिटेबल जो है एडिबल है, एडिबल यानी कि खाने लायक, तो वेजिटेबल इज एडिबल या फिर खाने लायक। दूसरा, द स्वीट इज नॉट एडिबल, ये जो मिठाई है ये एडिबल नहीं है, खाने लायक नहीं है। द टू सेंटेंसेस कन्वे द सेम मीनिंग बट वन डज नॉट नेगेटिवली व्हाइल द अदर स्टेट इट पॉजिटिवली, एक जो है स्टेट कर रहा है नेगेटिवली और एक स्टेट कर रहा है पॉजिटिवली। अ सेंटेंस दैट टेल अस दैट समथिंग एग्जिस्ट और समथिंग इज हैपनिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस, कुछ हो रहा है या फिर कुछ चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड अफर्मेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज अ पॉजिटिव सेंटेंस, और इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक। एक नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस इज सेंटेंस स्टेटिंग दैट समथिंग इज इनकरेक्ट और इज नॉट ट्रू, जो है कोई चीज़ सच नहीं है या फिर इनकरेक्ट है, जैसे कि
द स्वीट इज नॉट एडेबल, तो ये नॉट जो यूज हुआ है वो है एक नेगेटिव सेंटेंस. फिर इन दिस केस अ नेगेटिव एडवर्ब हैज टू बी इंक्लूडेड इन ऑर्डर टू कैंसिल और नेगेटिव द वैलिडिटी ऑफ सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस यूजुअली कंटेन नॉट और नो, और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज क्या होता है, नॉट या फिर नो. जैसे कि आई कैन नॉट राइट, तो ये नॉट यूज हुआ, कैन नॉट यूज हुआ, तो ये सारे किस में आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में. ठीक. और अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि आई एम स्लीपिंग या फिर शी इज रनिंग, तो ये सारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो ये हम लोग ने सेंटेंसेस के टाइप्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, अब हम लोग बाद में वीडियो कंटिन्यू करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सी यू सून, बाय.